ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਸਲਾਮ ਵਾਲੀਕੁਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਲੋਗ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਸ਼ਮ ਵਲੋਗ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਉੱਠ ਗਈ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਰ ਵੱਜ ਗਏ ਇਨ ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸਰਦੀ ਕੇ ਲਈ ਮੁਝੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਅਭੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਦੇਖਤੇ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੀ ਹੂੰ। मैंने दी मुझे सर की, अब इसकी मैं दो दो बैंगल्स पहले डाल देती हूँ हाथ में। गोभी बन गई है, और वीरा जी का उनका उनके लिए सामान निकाल देती हूँ, सुहाग का सामान। तो टाइम हो गया है 4:45, तो टाइम हो गया 4:45। अब मैं पहला गोरा माता जी का निकाल दूँ वीरा माता जी की बैंगल्स। तो मैं ये एक्स्ट्रा मैं अलग अलग ही स्टैंड पर कर रखती हूँ, क्योंकि वो जो इकट्ठा वाला होता है मुझे लगता है कि कोई यूज़ नहीं करता, तो ये सारे यूज़ करेंगे। ये सुहागन का हम जो निकालते हैं, इसे पानी का वो ऐसे करके ना छिटा देके, जैसे हम मंस देना बोलते हैं वो करते हैं, तो पहले मैं वही करूँगी।
इधर की मम्मी बना रहे हैं हमें खम की। ये सूट मैं अब नहा के वेयर करूँगी। थैंक यू मम्मा फॉर दिस, बहुत प्यारा सूट है। तो ये भी मैं रख दूँ वहाँ पे, ये भी मैं रख दूँ वहाँ पे। मैंने सब कुछ मेरी पसंद का ही लाया है, जो मैं यूज़ करती हूँ वही भी वाला ला। तो ये सर्गी का रिचुअल जो मैंने चाय ले लिया है, क्योंकि चाय से मुझे लग रहा है पूरे दिन बस वो एक ही लानी मैं। एक को काला काला ना ना, एक को ही खानी है, एक ले जाओ। तो एक रोटी मैंने फेनिया जो शगन होता है जो खानी होती है मैंने नहीं नहीं मैं थोड़ी सी ली है, ये देखो गोभी भी शगन होता है, मैंने इतना सा लिया क्योंकि सुबह सुबह आपको पता नहीं खा होता, बट रिचुअल है तो खाना तो पड़ेगा क्योंकि सर्दी खाना इंपॉर्टेंट होती है। तो वही मैं बोलूँगी कि हाँ, बोलते हैं ना कि अगर मदर इन लॉ बनाए तो हस्बैंड साथ खाए तो ये बहुत टेस्टी रहता है, तो मेरे साथ ऐसा ही है, टच फूड नज़र नहीं लगे। मम्मा बना रहे हैं और डाली मेरे साथ खा रहे हैं, तो हम लोग इंजॉय करते हैं सर्गी। तब तक उसके बाद मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। सो अब मैंने अपनी सर्गी कर ली है डन, सर्गी खा ली है और मैं चाहती बहुत मुश्किल से खा रही है। तो अब लास्ट में नारियल खाते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक तो शगन भी मानते हैं और वैसे इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर हम लोग नारियल लास्ट में ले लें तो हमें प्यास नहीं लगती, हम लोग हाइड्रेटेड रहते हैं, तो इसलिए एंड में नारियल खाते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो पूरे दिन की आज मैं रूटीन आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, जो जो मैं करती रहूँगी उसके लिए सब शूट करूँगी, कोशिश करूँगी एवरी हर एक मोमेंट को शूट करूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और अब मैं जाऊँगी सोने, सोने के बाद उठ के फिर नहा धो के फिर रेडी होके आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग प्लस गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, टाइम हो गया, टाइम हो गया 9:45 और मैं अभी उठी हूँ। अब सबसे पहले मैं नहा लूँ, नहा के तैयार हो जाऊँ। आरब भी उठ गया है, ये बनाना खा, आरब बनाना खा रहा है ना। तो चलो मिलते हैं फिर, रेडी तो मैं बाद में होंगी, प्रिपेयर कर लूँगी अभी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हाँ। अरे व्हाट आर यू डूइंग। सो हेलो गाइस, मैंने वेयर कर लिया सूट, अब मैं पहले अपनी बैंगल्स पूरी डाल दूँगी क्योंकि मैंने दो ही डाली थी। तो मैं नहा के, क्योंकि 11:12 तो बची गई है, मैं अभी सूट वेयर कर ही लेती हूँ सुबह, क्योंकि फिर रील्स वगैरह भी बनानी होती हैं, तो फिर इंस्टा के लिए भी कुछ करना होता है, तो फिर मैं पहले ही रेडी हो जाती हूँ। वैसे कहीं लेडीज़ 3-4 बजे के अराउंड रेडी होना स्टार्ट होती हैं, क्योंकि शाम को 5-4 बजे ऐसे कथा होती है ना, तो वहाँ पर सारे सुनने जाते हैं, तो फिर रेडी शेडी होके जाते हैं। कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं ऐसे, तो मैंने वेयर कर दिए हैं बैंगल्स, अब मैं हूँ रेडी। और करवा चौथ की बात करें तो ये क्या, तो मैंने डाली हैं बैंगल्स।
तो अब मैं जाऊंगी मेकअप के लिए, फिर उसके बाद बीयू मैं खुद ही बंद कर देना। सो मैंने वेट कर लिया लेंस, लेकिन इस सॉन्ग का भी मुझे थोड़ा सा रट कर। वेट वेट फॉर टू मिनट्स, मैंने ट्राई कर रहा है हेजल कलर, लेजर कलर, हेजल कलर लुक। तो मैं कुछ ऐसे रेडी हुई हूँ, आई होप आपको भी क्यूट लग रही होंगी। और मैंने रेड वेयर करा है क्योंकि रेड मैरून ये करवा चौथ मतलब कि ओकेजन के लिए बेस्ट कलर्स है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ये ऐसे ही लगता है। तो मैंने ये मल्टी शेड कुर्ती और रेड और ये किया है। अब मैंने थोड़ी सी रील्स बनाई हैं, गो एंड चेक माई डैट अकाउंट तीशा अंडरस्कोर रील 786, वहाँ पे मुझे फॉलो करो और वहाँ पे भी मेरी रील्स देखो। और यस, लुक मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है, क्योंकि बहुत देर बाद मैं ऐसे रेडी हुई हूँ। एंड आगे जो करते हैं, अभी तक तो फ्री ही हूँ, मतलब रेडी हुई हूँ और बैठी हूँ, खा पी तो सकते नहीं भैया, आज करवा चौथ है। और मैं अगर करवा चौथ की बात करूँ ना, एक तो है कि करवा चौथ हम लोग रखते हैं एक फेस्टिवल है ना, बट करवा चौथ जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब जो लोग नहीं रखते वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करते या उनके प्यार में थोड़ी कमी आ जाती है, इट्स नथिंग लाइक दैट। सिर्फ ये है कि हम लोग उस चीज़ को, उस रिश्ते को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं कि हाँ एक दिन मिल गया उसको सेलिब्रेट करने का और हस्बैंड को स्पेशल फील करवाने का। मम्मा पापा मदर फादर सबके डे होते हैं तो हस्बैंड का भी होना चाहिए, तो ये करवा चौथ उसके उनके लिए बन गया। तो सेलिब्रेट कीजिए हर पल को जिए, कोई भी फेस्टिवल कुछ बस बहाना चाहिए मज़े करने का और इंजॉय करने का। दिल में खुशी हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है। हम ये नहीं बोल रहे ये ओकेजन क्यों करना है, ये क्यों करना है, इससे क्या होगा। सबकी उम्रें लंबी हो, जो रखे उनकी भी, जो नहीं रखे उनके भी, बस सेलिब्रेट करने का बहाना चाहिए। तो हम लोग कुछ भी नहीं मिस करना मांगते, तो इसलिए हम हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। तो आप भी करो, ज़िंदगी के रंगों को जियो। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद, देखते हैं उसके बाद क्या प्लान बनते हैं। तब तक मैं थोड़ी सी और लुक्स दे दूँ, अगर फोटोज़ वगैरह कोशिश करूँ कि वीडियो में ऐड कर दूँ, तब तक। सो गाइस, अब मैं लगा रही हूँ मम्मी को मेहंदी, मेहंदी आर्टिस्ट आ गया है मम्मी का रामी। लो जी, बड़ा आर्टिस्ट मेहंदी का। देख ही रहे हो, हमने कहा थोड़ा सा फ़ोटोशूट हो जाए, रेडी हुए हैं तो फ़ोटोशूट तो बनता ही है। और थोड़ी सी रील्स इंस्टा के लिए दोबारा बोल रही हूँ, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करो। तो बाकी आपको भी थोड़ी सी मैं लुक्स दिखाऊंगी यहाँ पे कि हम कैसे पिक्चर्स कैसे कर सकते हैं। अरब भी आ गया,
पटाखे लेके। और वेट कर लो बेटा, दो मिनट वेट कर लो। तो ठीक है, मैं ब्लॉग थोड़ा सा कर लूँ फिर उसके बाद कर लूँ। तो अब मैं कैसी लग रही हूँ आप मुझे बताना कि कमेंट कि मैं करवा चौथ लुक मेरी कैसी आई है। करवा चौथ लुक आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, ये बैंगल्स के साथ अटक रहा है। मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हूँ, वो भी मैं बीच में लगा दूँगी अपने ब्लॉग के, तो आप लोग देख लेना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गाइज मेरा फोटो शूट हो गया डन। मैंने आरव के साथ भी की पिक्चर क्लिक की। आरव देखो कितनी मस्ती करता है। आरव का मन करा कि हम यहीं बैठे, मम्मा अंदर कुकिंग कर रहे हैं, रात के लिए डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे बोल रहे हैं कि तू बैठ जा बस, कोई बात नहीं मैं खुद ही कर लूँगी। देखा कितनी लकी हूँ मैं, टचवुड। तो अब उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर, वो जो हम लोग जाएंगे मंदिर वहाँ पे सुनने कथा होती है, कथा को सुनने। और टाइम हो गया है 3:45 की 48 हो गए हैं। तो सत श्री अकाल अंकल जी। तो फिर उसके बाद नेबर्स में कोई दिखता है तो बुलाना पड़ता है ना। तो वो नेबर में कोई आ गया था, मैं उनको विश करने लगी थी, तो उनको विश करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ा सा कट करके उनको टाइम दिया है। तब तक सॉरी अगर आपको बीच में कुछ लगा होगा कि कोई डिस्टर्बेंस आई। वो बताया कि हम लोग अब कथक लिए जाएंगे, वहाँ प्लेट्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं सारे एक दूसरे में, वो सर्कल में बैठ जाती हैं लेडीज़। मैं नहीं करती हूँ बिकॉज़ क्योंकि मैं आपको वो दिखाऊंगी जैसे वो करते हैं। था कि मतलब जो पहले करता है वो करो, नहीं तो नई रीति रिवाज को क्यों अडॉप्ट करना। बाकी देखती हूँ टूट पे अगर मुझे लगा तो, कई बार होता ना नहीं हुए फिर दिक्कत आ जाती है, फिर मैं अकेले कैसे कर पाऊँगी। तो इसलिए फिर मैं दिखाऊंगी ज़रूर कि वो सब कैसे होता है। सीधा हम जब मंदिर जाएंगे तभी मिलते हैं। अब मैं जो मम्मा को अंदर देखूँ मम्मा क्या कर रहे हैं। और फोटोशूट बहुत अच्छा गया है, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और रील्स के लिए स्लोमो वगैरह भी बनाए हैं, तो आज का दिन वैसे निकल ही जा रहा है अभी, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अभी तक तो भूख प्यास का कोई पता नहीं है, कुछ ज़्यादा पता नहीं है, भगवान ऐसे ही लग रखे हैं, मतलब बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही है। तो फिर हम अब मिलते हैं आपको जब मंदिर जाना है। तब तक के लिए बताया कि मंदिर से हम आ गए थे, तो अब मम्मी के साथ भी थोड़ा सा फोटो सेशन हो जाए। तो अब मम्मी वाला फोटो सेशन चल रहा है, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस अब मैंने ये कर लिया है, कथा सुनने के लिए थाली रेडी। इसमें ज़्यादा कुछ आ नहीं पाया मेरे, तो मैंने एक्चुअली इसमें पानी रख दिया, बोलते अब खाली पानी नहीं, अर्घ देना चाहिए, अर्घ देने के सामान रखे। इसमें मैंने फ्लावर्स डाल दिए हैं, रोली डाल दी है, तिलक डाल दिया है, थोड़े से चावल डाल दिए। तो ऊपर जो इसको ढक दिया है ये खाली नहीं रखते, इसलिए इस पर इसको मैंने चावल से भर दिया, हल्की सी चीनी डाल दिया। तो ये दीवा रखा है, ये मिट्टियाँ और ये अर्घ देने के लिए छन्नी। तो अब जितना मुझे पता था उसके अकॉर्डिंग मैंने जो था साथ में मेरी थाली में जितना आता था उतना मैंने रख दिया। तो अब चलो चलते हैं मंदिर। बाहर आपने देखा मैं ये दिया घर में लेके जाऊंगी, हवा बहुत चल रही है। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ घर, टाइम हो गया है 5:35। और जोत मैंने रख दिया किचन में, वहाँ पे तेल डाल के कि उसकी वो फिर देखना भी पड़ता है ना कि ठंडी ना हो, तो उनकी हम पूरा ध्यान रखते हैं, बार बार मैं तेल डालती रहूँगी। तो अभी बस फ्री बैठी हूँ। अब कई लोग तो इस टाइम आके और अपने मदर इन लॉ को जो देना होता है वो दे के फिर वो कुछ दूध या कुछ चाय कुछ भी रस्म के अनुसार ले लेते हैं।
लेकिन मैं कुछ नहीं लेती क्योंकि मैं इसलिए नहीं लेती कि पूरा दिन तो निकल गया, अब 2-3 घंटे की बात है तो निकल ही जाएंगे। तो लाली मेरे सामने अंकल चिप्स खा रहे हैं, जो मैंने पिछले व्लॉग में बता के आटी थी कि वो मेरे फेवरेट हैं, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, ये तो टॉर्चर हुई। तो अब फिर देखते हैं उसके बाद हम लोग गप करेंगे जब चाँद निकलेगा, चाँद का वेट हो रहा है। चाँद को भी देख लो आज के दिन कितनी इंपॉर्टेंस भूल जाती है ना हमें। तो सारे चांद का वेट करते हैं, चांद आएगा फिर अर्घ देंगे, अर्घ दे के फिर खाना खाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं अगर कोई प्लान बनता है। मुझे पता है क्या प्लान बनेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। चलो तो वहां कह सकते हो। अरे इधर पढ़ लेंगे आगे। तो मुंह बिल्कुल नहीं दिसदा है। हल्ले थोड़ी दिसना। आरो इधर आ पता। इथे पढ़ के रख। मैं नहीं पढ़ना है। मम्मी आयो। ये शॉप चल ला वे। अंदर नहीं करती? नहीं। अरे दे दो वाटर। इधर आ उधर। उठते देखिए अभी। पानी थोड़ा सट ठंड लगती है। पीना की है तू? मैनू पता है। दूर दूर चलदी पई है। इन्नी नेड़े ना। चल दिखा कैमरामैन अरबजीत सिंह। चलो
चलो जी। मैंने आपको जो बताया था सूट पिछले व्लॉग में कि मैं मम्मा के लिए सूट लाई हूँ, कैसा लाई हूँ आप देख लो, आपको रिवील कर देती हूँ। और आपको पता है मेरा सरप्राइज़ कुछ हद तक तो आरव ने कर ही दिया उसका काम। आरव ने मम्मी को बता दिया कि आपके लिए सूट लेके आए, पर अब मुझे नहीं पता उसने मम्मी को दिखाया है कि नहीं, क्योंकि आरव तो महान शख्सियत आपको पता ही है। तो आई होप आपको भी पसंद आया होगा, आई होप मम्मी को भी पसंद आया होगा। अब देखते हैं मम्मा के रिएक्शन से पता लग जाएगा कि मम्मी ने पहले देखा कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, दिल सारा सरप्राइज दस्या। बहुत सोहना, बहुत सोहना, बहुत सुंदर। सरप्राइज देना है। हाय कितना सुंदर। बहुत सोना। नहीं बहुत सोना यहाँ। लो जी सूट हले सीन वाला थे, चुन्नी दे के मम्मी को करता तैयार। चलो जी बहुत अच्छी लग रही है लुक। मैं का टोरी लग रहा है पूरा। बहुत सोना। चलो ते हुन असी भी खाइए, थोड़ी करिए पेट पूजा, ते व्लॉग दा कर देने एंड इतनी है ना। ते व्लॉग दा कर देने एंड। अगर तुहानू मेरा व्लॉग वधिया लगा होगा, और मैनू इदां लगदा है कि मेरे व्लॉग शायद डे बाय डे बैटर हो रहे हैं, तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मतलब मैं अगर थक भी जाती हूँ कुछ भी, फिर भी मैं एफर्ट करती हूँ कि नहीं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको मुझे कुछ देना है, कुछ मुझे शूट करना है। तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट ज़रूर करा करो, लाइक शेयर ज़रूर करा करो, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करो, क्योंकि कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए नया। एंड यस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पी यू द वर्ल्ड विलेज।